तो हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो ब्लॉगर है उस पर हम कंटेंट कैसे लिखना चाहिए, जैसे कि गूगल एडसेंस से लो वैल्यू कंटेंट का जो एरर आता है वो नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना ब्लॉग ओपन कर लेता हूँ। जैसे देखिए मेरा ब्लॉग है एक, तो मैं इसमें ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इसको एक पोस्ट ओपन कर लेते हैं, जैसे कि ये वाली पोस्ट ओपन कर लेते हैं। ये रीसो मोड एपीके प्रीमियम लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड है। ठीक है, तो इसमें पोस्ट जो आपको लिखना है, देखिए मैंने ये पोस्ट लिखा है, इस मुझे खुद से लिखना पड़ेगा आपको यार। अगर आप कॉपी करोगे तो फिर वो कॉपीराइट का इशू आ जाता है, फिर आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको खुद से टाइप करके लिखना है। और इसमें क्या करना है, तो अभी फिलहाल मैंने इसमें गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई नहीं किया, क्योंकि इसमें 6 पोस्ट हैं। जब तक मेरे 14 या फिर 15 पोस्ट नहीं हो जाएंगे, तब तक मैं गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई नहीं करूंगा। तो ठीक है, तो आपको कैसे लिखना है, देखिए ऐसे लिखना है। देखिए, और लो वैल्यू कंटेंट का जो इशू आता है वो क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे ना, ये यहाँ पे देखिए, आप ये पैराग्राफ है ये पूरा। ठीक है, तो अगर आप बीच में इसको स्पेस, यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है मैंने, अगर आप स्पेस नहीं दोगे ना, तो भी आपको लो वैल्यू कंटेंट का इशू आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर इसको आप एक साथ अगर लिख लेते, मैं इसको यहाँ पे स्पेस नहीं देता यहाँ पे, और यहाँ पे स्पेस नहीं देता ना, तो भी लो वैल्यू कंटेंट का इशू आ जाता। चाहे कॉन्टेंट आपने अगर खुद से भी लिखा है तो भी आ जाएगा। तो इसका लो वैल्यू कंटेंट का इशू ना आए, तो इसको आपको बीच में इसे स्पेस देना पड़ेगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मैंने स्पेस दिया ना यहाँ पे, ये इसके बाद मैंने स्पेस, इसके बाद मैंने स्पेस दिया, तो आपको भी ऐसे स्पेस देना पड़ेगा। और फिर उसके बाद आपको ये जो हेडिंग है, सब हेडिंग जो आप देते हो, तो उसके लिए आपको बोल्ड करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्टली ऐसे लिखते चले जाओगे तो आपको गूगल फिर भी लो वैल्यू कॉन्टेंट का इशू दे देगा। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे कैसे इसमें क्या है। और बाकी ये जो आपको ये देखो म्यूजिक है, ये जो आपको ऐसे अगर इस टाइप से कंटेंट लिखोगे आप, मतलब स्टेप बाय स्टेप ऐसे बताओगे, तो फिर गूगल को भी लगेगा हाँ भाई अच्छे से कंटेंट लिखा हुआ है, तो आपको इजीली अप्रूवल दे देगा। ठीक है, तो अभी मैंने इस पर गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई नहीं किया है, बट मैं करने वाला हूँ, क्योंकि इस पर अभी 6 पोस्ट हुए हैं। जब तक इस पर 15 पोस्ट हो जाएंगे, आर्टिकल हो जाएंगे, तब मैं उसको गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही लिखना है, जिससे कि लो वैल्यू कॉन्टेंट का इशू आपका हो सकता है कि हट जाए। ऐसे हट काफी बंदे का, मेरे जो जान पहचान वाले हैं ना, उन्होंने ऐसे ही किया था कि उनका लो वैल्यू कंटेंट का इशू आता था, फिर उन्होंने क्या किया था कि जो लॉन्ग पैराग्राफ था ना, उसको शॉर्ट कर दिया, बीच में यहाँ पे स्पेस दे दिया, तो जिससे कि उनको लो वैल्यू कंटेंट का इशू फिक्स हो गया। ठीक है, और जो अभी एक लेटेस्ट जो एरर आता है वो आता है गूगल सर्च एड्स ऑन योर स्क्रीन, ऐसे करके एक एरर आता है। तो वो आता है इसलिए क्योंकि आप कॉपीराइट इमेज यूज करते हो, और आपकी वेबसाइट जो है गूगल में इंडेक्स नहीं होते हैं सारे पोस्ट। तो जब तक आपके गूगल में सारे पोस्ट इंडेक्स नहीं होंगे, तो फिर गूगल फिर उसको अप्रूवल देने में कोई ना कोई आधार आपको दे देगा। और जब तक आप इंडेक्स आपके सारे पोस्ट हो जाएंगे, और फिर आप कॉपीराइट इमेज यूज नहीं करोगे, ये मैंने इमेज जो बनाया है ये खुद से बनाया है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी गाइस। तो जैसे ही मैं इस वेबसाइट को अप्लाई करूँगा, तो आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा। ठीक है, ये वाली जो वेबसाइट है मेरी ब्लॉगर पर बनाई थी मैंने, ये अपने चैनल पर दिखाने के लिए कि कैसे हम ब्लॉगर पर भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हैं। ठीक है, तो वेट कर लेते हैं, जब तक मेरा इस पर 15 आर्टिकल हो जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा जब गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करूंगा। तो अभी वेट कर लेते हैं। ठीक है, सो ठीक है गाइस, मिलते हैं वीडियो, तब तक बाय।